है फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कलरफुल लीव्स वाले प्लांट जो काफ़ी कलरफुल होते हैं, हमारे गार्डन को एकदम कलरफुल बना देते हैं। ये क्रोटन है, क्रोटन प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, काफ़ी कलरफुल इसकी लीव्स होती हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये कोलियस, कोलियस प्लांट भी काफ़ी कलरफुल प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप चाहें तो इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। और ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट तो देखिए इसकी लीव्स एकदम पर्पल कलर की है, इसमें फ्लावरिंग भी होता है पिंक कलर का हार्ट की शेप में, काफ़ी प्यारा लगता है ये प्लांट। ये भी कोलियस की ही एक वैरायटी है, भी काफ़ी प्यारा कलर है, आप देख सकते हैं। और ये रियो, रियो प्लांट भी काफ़ी कलरफुल है, ऊपर से ग्रीन नीचे से पर्पल है। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट जो है आपके पॉट को एकदम कवर कर लेता है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा प्लांट जो आपका पॉट होगा कवर हो जाएगा। ये वांडरिंग जेव है, वांडरिंग जेव भी काफ़ी अच्छा प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए, ये भी काफ़ी कलरफुल है, ऊपर से ग्रीन और उसमें थोड़ा शेडेड रहता है, नीचे से पर्पल कलर का दिखते हैं, काफ़ी प्यारा है ये। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, ये डेरिसिना की वैरायटी है, काफ़ी प्यारा काफ़ी कलरफुल है। ये शलोशिया, शलोशिया स्विंगलिन शलोशिया हिंदी में मुरकलगी बोलते हैं, इसमें फ्लावर्स आते हैं विंटर में, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स इसमें आते हैं। और ये है क्लैंचो, क्लैंचो की लीव्स देखिए कितने प्यारे हैं, इसके हाइब्रिड भी वैरायटी आती है, इसमें फ्लावरिंग भी होता है, फरवरी मार्च में इसमें फ्लावर्स आते हैं, गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसकी लीव्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव करती हैं, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, आपके गार्डन में हमेशा रहेगा। और ये ड्रेसिना, ड्रेसिना प्लांट भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, कलर्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ड्रेसिना को भी ऐड करें, इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और ये डमकैन प्लांट, डमकैन प्लांट भी काफ़ी अच्छा प्लांट है आपके गार्डन के लिए, और ये इंडोर प्लांट है, इंडोर में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, कम सनलाइट में भी सर्वाइव कर जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी वेरी मच।